हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे HSSC कांस्टेबल सिलेबस की। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अन अकेडमी द्वारा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए iDream सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया गया है। अगर आप 5 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इसको बढ़ाकर अगले मेंस एग्जाम तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी नोट्स मिलेंगे। तो इस फ्रीडम ऑफर में अगर आप 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 27,000 रुपए तक का ऑफ मिलेगा। इसके साथ ही फ्री ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिलेंगी और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। वहीं पर अगर 2 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 40,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 3 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 52,000 का डिस्काउंट मिलेगा। पहले इसका प्राइस जो है 1 साल का 77,000 रुपए था, जो कि अब 49,679 रुपए में मिलेगा। वहीं पर अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं जो कि 1,12,000 का है, इसमें आपको 40,000 का डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पर आपको 71,801 रुपए में प्लान मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 साल का प्लान लेते हैं जिसका प्राइस जो है 1,40,000 रुपए है, इस पर आपको 52,000 का डिस्काउंट मिलेगा। ये प्लान आपको 87,267 रुपए में मिलेगा। जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, SRADDA। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर तथा एनिमल हस्बेंड्री और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडीज में आपसे जनरल नॉलेज, इंडियन पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन तथा आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, हरियाणा की लैंग्वेज तथा फैक्ट अबाउट हरियाणा, इसके अलावा इंडियन कल्चर और इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, इंडिया तथा वर्ल्ड जियोग्राफी और इकोनॉमी ऑफ हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा, सोशल तथा इकोनॉमिक और कल्चरल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, नेशनल तथा इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, करंट अफेयर, डेट्स एंड इवेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, फेमस ऑथर अवार्ड तथा बुक्स के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जनरल रीजनिंग की। तो इसमें आपसे क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तथा नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट तथा वर्ड अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटा सफिशियंसी, सिलोजियम्स तथा स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा मिसलिनियस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो इसमें नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क तथा टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरेज, परसेंटेज तथा पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन तथा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें आप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री तथा फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा, फ्रूट और वेजिटेबल्स के बारे में पूछा जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल तथा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में पूछा जाएगा, फर्टिलाइजिंग, इरीगेशन और डैमेज के बारे में पूछा जाएगा, वीड पेस्ट कंट्रोल के बारे में पूछा जाएगा, टाइप ऑफ क्रॉप, सॉइल और लैंड के बारे में पूछा जाएगा, हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन के बारे में पूछा जाएगा, अफॉरेस्टेशन के बारे में पूछा जाएगा। अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो इसमें एनिमल न्यूट्रिशन तथा न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल तथा लाइव स्टॉक फार्मिंग और डेयरी के बारे में पूछा जाएगा, डिजीज और सिम्टम्स इन एनिमल्स तथा केयर ऑफ एनिमल और एथिक्स तथा ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में पूछा जाएगा, वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न कम्युनिटी, एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क के बारे में पूछा जाएगा, इसके अलावा वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेट सर्फिंग और एटिकेट्स के बारे में पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पूछा जाएगा और कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था इसका सिलेबस। अगर इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।